दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा 275 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा पेट्रोल। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव आने तक प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने इस आंकड़े को लेकर गणित भी समझाया। खास बात यह है कि शनिवार को भी बीते 12 दिनों में 12वीं बार ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या फिर लगभग 24 रुपए महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब आज के 100 रुपए लीटर से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपए लीटर हो जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल शनिवार को भी डीजल की कीमत भी 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार किसानों से आंदोलन का ले रही बदला। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई पर कांग्रेस नेता हरदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि महंगाई के कारण नए साल में 1 अप्रैल से लोगों पर 1,25,407 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से आंदोलन का बदला ले रही है। डीएपी खाद के 50 किलो के बैग की कीमत 150 रुपए बढ़ा दी गई है। मोदी रोजाना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर गुड मॉर्निंग गिफ्ट दे रहे हैं। बीते 12 दिनों में 10वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे पेट्रोल में 7 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि जनता मोदी सरकार की महंगाई से पस्त है। मोदी सरकार का मंत्र है कि चुनावी जीत लूट का लाइसेंस है। महंगाई से हर घर पर हमला हो रहा है। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू सिलेंडर के दाम 10 दिन पहले ही 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सीएनजी पीएनजी पर प्रति किलो 80 पैसे बढ़ा दिए गए। बीते 1 महीने में 4 रुपए प्रति किलो बढ़ चुके हैं। पीएनजी के दाम 5 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट बढ़ चुके हैं। टोल के दाम बढ़े हैं। केंद्र सरकार ने 10% से 18% तक टोल के दाम बढ़ाए हैं। बीमार और दवा तक के दाम बढ़े हैं। 800 जरूरी दवाइयों के दाम 11% तक बढ़ा दिए गए। बुखार से लेकर कोरोना, दिल की बीमारी, खून की कमी और विटामिन की दवाइयों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि घर बनाना महंगा हो गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि स्टील, सीमेंट, लकड़ियां, सैनिटरी फिटिंग्स के दाम बढ़े हैं। इसका फायदा मोदी जी के मंत्रियों को हो रहा है। लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट भी खत्म हो गई है। पीएफ अकाउंट पर टैक्स लगा दिया है। कार के दाम बढ़ गए हैं। टीवी फ्रिज भी महंगा हो गया है। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है और फिर चुनाव जीतने के बाद जनता को लूटती है। अगली बड़ी खबर, अब जल्द ही भाजपा के हो जाएंगे शिवपाल यादव, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी को ट्विटर पर किया फॉलो। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में हैं। शिवपाल सिंह यादव सपा विधायक दल की बैठक में ना बुलाए जाने से नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री योगी से भी मुलाकात की तो सियासी गलियारों में प्रसपा अध्यक्ष के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं काफी तेज हो गईं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने भी बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही शिवपाल भाजपा में जाने वाली बात पर मोहर लगती नजर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने अचानक से पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो करके यूपी की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया है। पहले शिवपाल केवल पीएमओ और सीएमओ को ही फॉलो करते थे। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी के ट्विटर को फॉलो करने के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर से प्रसपा अध्यक्ष यानी शिवपाल यादव के भाजपा में शामिल होने को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी में फिर से राशन बंटना शुरू, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए निर्देश जारी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 से 10 अप्रैल तक अनाज बांटा जाएगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत राशन प्राप्त करने की सुविधा रहेगी और पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 6 व 7 अप्रैल को उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने शुक्रवार को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों से संबद्ध यूनिटों पर 5 किलो खाद्यान्न यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि 10 अप्रैल को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के
माध्यम से वितरण किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत 6 महीने के लिए निःशुल्क राशन देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का अनाज 3 महीने तक बिल्कुल निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। और बड़ी खबर सरकार की आ गई आफत, बिजली विभाग में आंदोलन हुआ तेज, 6000 इंजीनियरों ने दिया सामूहिक अवकाश का आवेदन। आपको बता दें कि ऊर्जा निगम में शीर्ष प्रबंधन स्तर पर भ्रष्टाचार और कार्मिकों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए असहयोग आंदोलन कर रहे बिजली कर्मचारी के 6000 से अधिक अवर अभियंता और अभियंताओं ने शुक्रवार को 3 दिन तक सामूहिक अवकाश का आवेदन दिया है। वे 4 से 6 अप्रैल तक अवकाश पर रहेंगे। बड़ी संख्या में अभियंताओं के अवकाश पर जाने की स्थिति में बिजली आपूर्ति में बाधा आने की आशंका है। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने सभी विद्युत वितरण कंपनियों को किसी का भी अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाने का आदेश दिया है। और बड़ी खबर जनता पर महंगाई की एक और मार, तेल की बढ़ती कीमतों के चलते उबर कैब ने भी बढ़ा दिया किराया। आपको बता दें कि महंगे पेट्रोल डीजल का असर अब देश भर में दिखने लगा है। धुलाई महंगी होने से एक तरफ खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है तो वहीं कहीं जाना आना भी बजट के बाहर जा रहा है। ऐप बेस्ट कैब सर्विस कंपनी उबर ने मुंबई में 15% किराया बढ़ा दिया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का असर ड्राइवर पर पड़ रहा है, इसलिए 15% किराया बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 116.72 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 100.94 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। आपको बता दें कि 22 मार्च से अब तक देश में तेल की कीमतों में 6.40 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। और बड़ी खबर, अब MSP कमेटी पर किसानों ने खुला मोर्चा, नाम भेजने से किया इनकार, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर लंबे समय तक टकराव के बाद किसान नेताओं ने मोदी सरकार पर नए आरोप लगाए हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के मुद्दे पर प्रस्तावित कमेटी के लिए नाम भेजने से साफ इनकार कर दिया है। मोर्चा का आरोप है कि सरकार इस कमेटी के बारे में उसके सवालों को टाल रही है। जब तक उसे कमेटी को लेकर सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, वो अपनी तरफ से नाम नहीं भेजेगा। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि जैसे ही किसान मोर्चा की तरफ से नाम मिल जाएंगे, वो कमेटी का गठन कर देगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताया गया है कि कृषि सचिव संजय अग्रवाल की तरफ से 22 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय कमेटी के सदस्य युद्धवीर सिंह के पास में फोन आया था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से गठित की जाने वाली कमेटी के लिए 2 से 3 नाम मांगे थे। हालांकि इस बातचीत से कमेटी को लेकर कई सवालों के जवाब साफ नहीं हो पाए हैं, जिसके बाद मोर्चा की तरफ से सरकार को 24 मार्च को ईमेल भेजकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि उसके बाद 30 मार्च को रिमांड कराया गया, इसके बाद भी अब तक सरकार से कोई भी जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक किसान मोर्चा ने बताया कि 24 मार्च के लेटर में उसने सरकार से पूछा था कि प्रस्तावित कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, ये क्या काम करेगी, इसमें और कौन कौन सदस्य हैं, वो किन संस्थाओं से हैं। इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, ये किस तरीके से काम करेगी, इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए कितना वक्त मिलेगा। सरकार से ये स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया था कि ये कमेटी जो सुझाव देगी वो सरकार पर बाध्यकारी होंगे या नहीं होंगे। मोर्चा ने कहा कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, उसकी तरफ से सदस्यों के नाम भेजने का कोई भी मतलब नहीं है। और बड़ी खबर, BJP ने ममता बनर्जी पर बोला जोरदार हमला, कहा बंगाल में आपातकाल जैसा माहौल, लगातार विरोध से बौखला गई हैं ममता दीदी। यहां आपको बता दें कि बीरभूम हिंसा के मसले पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में खूनी घमासान के बाद निलंबित किए गए BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राज्य में आपातकाल जैसा माहौल हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डरी हुई हैं क्योंकि वो लगातार विरोध का सामना कर हैं, वो बौखला गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने विपक्षी आवाज दबाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है।
और ये बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद का बड़ा ऐलान, बोले 2 महीने में यूपी की सड़कें हो जाएंगी गड्ढा मुक्त। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद शनिवार को सांजापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2 किलोमीटर लंबे गिरे हुए पुल का निरीक्षण किया। वहीं योगी सरकार 2.0 में पीडब्ल्यूडी मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रसाद ने जिम्मेदार अफसरों को पुल के गिरने की जाँच और जल्द ही पुल बनवाने का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की सड़कों की मरम्मत की जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।